हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द साइंस करियर क्लासेस। मेरा नाम है अनुराग और 8th क्लास में आज अपन जो है बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, बहुत धमाकेदार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है नाइलोन। ठीक है, तो नाइलोन के बारे में बेटा आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको लग रहा हो कि सर वास्तव में बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है, बहुत टॉपिक वाइज जो है हमारी क्लास हो रही है, तो और कंटेंट सर बहुत अच्छा दे रहे हैं, तो आप लोग प्लीज एक बार जो है वीडियो को लाइक और चैनल को जाके जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आज जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा नाइलोन जो है, नाइलोन जो है किस तरीके से जो है इसका यूज किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, क्या होता है, ये अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नाइलोन जो है वो एक मैनमेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि क्या तो जो है नेचुरल फाइबर्स होते हैं और क्या जो है सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। यानी सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, कुछ केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं, और जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो डायरेक्टली हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। यानी कुछ एनिमल्स से और कुछ जो है किससे मिलते हैं, प्लांट से। यानी कुछ तो प्लांट फाइबर होते हैं और कुछ क्या होते हैं, एनिमल फाइबर्स होते हैं। वो तो होते हैं नेचुरल, कुछ होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जो केमिकली जो है ह्यूमंस के थ्रू, ह्यूमंस जो है वो बनाते हैं उनको, कुछ केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं उनको। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। तो ये भी एक नायलॉन जो है, ये कैसा है, नायलॉन इज मैनमेड फाइबर। नायलॉन कैसा है, एक मैनमेड फाइबर है। नायलॉन इज ए मैनमेड फाइबर। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। मतलब इसके लिए जो है कोई भी जो है नेचुरल रॉ मटेरियल, कोई भी कच्चा माल जो है नेचर से नहीं लिया गया, यानी प्लांट और एनिमल से इसके लिए कोई भी रॉ मटेरियल यूज में नहीं लिया गया। इसको जो है केमिकली प्रोसेस के थ्रू जो है फैक्ट्रीज में बनाया गया, इसीलिए इसको अपन बोल रहे हैं क्या, मैनमेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी इसके लिए कोई भी जो है नेचुरल मटेरियल यूज में नहीं लिया गया, सो इट इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वॉटर एंड एयर। ये किससे किससे बनाया गया, कोयले से, कोल, वॉटर एंड एयर, इन तीनों से मिलकर बनाया गया। तो इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। यानी कैसा था, एक बिल्कुल पहला जो है सिंथेटिक फाइबर था। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर समझ लो ना बेटा, सिंथेटिक का मतलब क्या हो गया कि ये जो है फुली जो है मैनमेड था, फैक्ट्रीज में इसको बनाया गया। ठीक है, क्लियर है इतना। यूजेस ऑफ नाइलॉन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसके यूजेस पूछे जाते हैं कि वेयर नाइलॉन इज यूज, या राइट द यूजेस ऑफ नाइलॉन। तो नाइलॉन कैसे यूज में आता है, कहाँ यूज में आता है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज टू मेक सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स एंड कर्टेंस। ठीक है, इस तरीके से यूज में लिया जाता है इसको, जो सॉक्स होते हैं वो बनाने में, रोप यानी जो रस्सियां होती है वो बनाने में, टेंट बनाने में, टूथब्रशेस बनाने में, कार सीट बेल्ट और स्लीपिंग बैग आते हैं। स्लीपिंग बैग जो है पोर्टेबल होते हैं बेटा, पोर्टेबल स्लीपिंग बैग्स होते हैं। कभी आउटडोर जो है किसी को सोना पड़ जाए तो क्या होता है कि स्लीपिंग बैग जो है ये हेल्प करता है, उसमें उसके अंदर आदमी जो है स्लीप कर सकता है, सो सकता है आराम से। फिर है कर्टेन्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है किससे बनाई जाती है, नायलोन से। इसीलिए जो है इसका यूज किया जाता है काफी ज्यादा। आज जो है नायलोन काफी ज्यादा यूजफुल है और बहुत ज्यादा यूज भी किया जाता है, बिकॉज इसके इसमें जो है कई प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, इसलिए यूज में लिया जाता है। अब प्रॉपर्टीज की बात आती है तो नाइलॉन जो है क्यों यूज में लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ये जो है इजीली ड्राई हो जाता है, इजीली वॉशेबल होता है, इसमें लश्रस मतलब इसमें शाइन होती है, इसलिए जो है इसका यूज किया जाता है। मतलब इतनी प्रॉपर्टीज होने की वजह से इसका यूज जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है आज। तो देखिए, नाइलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग कैसा होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक का मतलब होता है ये स्ट्रेच हो सकता है। ठीक है, एंड लाइट, लाइट वेट होता है, मतलब बहुत लाइट होता है। इट वॉज लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब बेटा होता है शाइनिंग। ठीक है, यानी इसमें बहुत अच्छी शाइनिंग भी होती है। फिर है इजी टू वॉश, ये बहुत इजीली जो है वॉशेबल होता है, इजीली वॉश हो जाता है। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ। ठीक है, इसीलिए जो है क्लॉथ्स बनाने में भी इसका बहुत ज्यादा जो है पॉपुलर हो गया, और इससे जो है क्लॉथ्स भी बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। तो ये बातें आप बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैरासूट्स, पैरासूट्स आते हैं ना, पैरासूट्स आते हैं, और रोप्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है,
ठीक है, तो पैरासूट्स और रोप, यानी हिल क्लाइंबिंग जब करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग जब करते हैं, तो उसके लिए रोप सही होती है, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आपको पता है नायलोन एक ऐसा एक फाइबर है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और इससे जो है फिर क्या बनाई जाती है, रोप्स बनाई जाती हैं, जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इट इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा होता है कि ये स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए काफी ज्यादा यूजफुल बन जाता है, इसीलिए आज जो है काफी ज्यादा यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, ठीक है। पॉलिस्टर देखो क्या होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, मतलब पॉलिस्टर भी क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर, फैब्रिक का मतलब होता है कपड़े, ठीक है, क्लॉथ्स। फैब्रिक का मतलब क्या होता है, क्लॉथ्स। मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब होता है बच्चे इसमें झुर्रियां नहीं पड़ती है, मतलब कपड़े जो इससे बनाए जाते हैं ना पॉलिस्टर से, उनमें इजीली जो है रिंकल नहीं होती, मतलब वो रिंकल नहीं होते, मतलब झुर्रियां नहीं पड़ती उसमें, सलवटें नहीं पड़ती उसमें। इट रिमेन्स क्रिस्प, यानी ये जो है बिल्कुल इनमें कपड़ों में कैसे रहती है, कड़क बिल्कुल रहती है, एंड इजी टू वॉश, बहुत इजीली जो है ये धुल जाते हैं। फिर है टेरिलिन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर, टेरिलिन भी एक कैसा है, टेरिलिन जो है एक एग्जाम्पल है किसका, पॉलिस्टर का। इट कैन बी ड्रॉन इन टू वेरी फाइन फाइबर्स, मतलब टेरिलिन को जो है बहुत ही जो है फाइबर्स में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। देट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न, मतलब इनको जो है अपन टेरिलिन को इसको अदर जो जैसे कि फाइबर्स होते हैं उनकी तरह बिल्कुल इसको बनाया जा सकता है। यार्न का मतलब होता है जो फाइबर होता है, ठीक है, थ्रेड जिसको बोलते हैं ना, थ्रेड यानी धागा जो होता है ना, उसको अपन बोलते हैं यार्न, ठीक है। तो टेरिलिन इज पॉपुलर पॉलिस्टर, इट कैन बी ड्रॉन इन टू वेरी फाइन फाइबर्स, मतलब इनको जो है फाइबर्स में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं और उनसे बाद में जो है थ्रेड बना सकते हैं इजीली। फिर है एक पीईटी, जिसको जिसकी फुल फॉर्म होती है बेटा पॉली एथिलीन टेरेथलेट, ठीक है, क्या होती है, पॉली एथिलीन टेरेथलेट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होगी, इज ए वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। पीईटी भी क्या है, एक पॉलिस्टर है। इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल, यानी तवे वगैरह बनाने में, फिल्म बनाने में, वायर्स बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। पीईटी जिसकी फुल फॉर्म है पॉली एथिलीन टेरेथलेट, जिसका यूज किया जाता है बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स, फिल्म बनाने में, वायर्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। फिर है पॉलिस्टर, जिसको अपन इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, पॉली प्लस एस्टर। अब पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, और बाद में उसके बाद में क्या आता है, जैसे पॉलीमर, अपन एक वर्ड पढ़ा ना पॉलीमर, इसमें पॉली का मतलब तो क्या होता है, मैनी, एंड मर का मतलब होता है यूनिट्स। तो यहाँ पे बहुत सारी एस्टर की यूनिट्स मिलकर क्या बना लेती हैं, पॉलीएस्टर। तो एक पॉलीएस्टर एक पॉलीमर है और ये एस्टर जो है इसका मोनोमर है, ऐसे समझ लें। पॉलीएस्टर एक पॉलीमर है जो कि एक बहुत लार्ज जो है एक यूनिट होती है, बहुत लार्ज एक मॉलिक्यूल होता है। और एक ये किससे बना होता है, पॉलीएस्टर एस्टर से बना होता है, जो कि बहुत छोटी एक यूनिट होती है पॉलिस्टर की। इस पॉलीएस्टर की बहुत छोटी यूनिट जो है वो होगी एस्टर, और ये एस्टर बहुत सारे एस्टर मिलकर क्या बना देते हैं, पॉलीएस्टर। ऐसे समझो एस्टर एक छोटी यूनिट है जो साथ में जुड़ती जाती हैं और क्या बना लेती है, पॉलीएस्टर। तो ये पॉलीमर होगा और ये मोनोमर होगा, ठीक है। तो पॉलीएस्टर, पॉली प्लस एस्टर। एस्टर क्या होता है, देखो पॉलीएस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एस्टर। किससे बना होता है, ये एस्टर से, ठीक है, यानी रिपीटिंग यूनिट्स, यानी एस्टर जो है बार बार रिपीट होता जाता है और उससे क्या बन जाता है, पॉलिएस्टर। एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रूट्स में जो स्मेल आती है, ठीक है, अच्छी सी स्मेल आती है, वो किसकी वजह से आती है, एस्टर्स की वजह से। किसकी वजह से आती है, एस्टर की वजह से आती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर की फ्रूट्स में जो है स्मेल किन की वजह से आती है, तो आप लोग बोलोगे एस्टर्स की वजह से आती है, ठीक है, क्लियर है इतना। तो आपको ये जो है दोनों स्लाइड्स क्लियर रखनी है, दिमाग में रखनी है इनको, और आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको नोट करें आप लोग, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप बस वो पढ़ते चले, ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप वो बस क्लियर करें। आप लोग जो है चुटकियों में सोल्व कर लोगे क्वेश्चंस, पेपर को धुआं धुआं कर दोगे आप लोग, ठीक है। फिर देखिए अब जो है अच्छा जो पिछला चैप्टर था हमारा, उसके क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको उसका लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम लिंक या जो भी है, आप उसको जाके देखना एक बार, ठीक है।
और एक नाइट्रोजन साइकिल जो अपन ने पढ़ा था उसमें भी मैं जो है इसका लिंक दे दूंगा, तो आप जाके वहां भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ तक किया। अब देखिए क्या होता है कि हम जो है बच्चे, काफी बच्चे जो है बोलते हैं कि सर साइंस किस तरीके से पढ़े, तो साइंस को देखो, साइंस बच्चे डीमोटिवेट होते रहते हैं कि सर साइंस जो है समझ में नहीं आती। कई बार बोल देते हैं बच्चे कि साइंस जो है किस तरीके से पढ़े पूछते हैं। तो आप लोग जो है, मैं एक सिंपल सा फंडा बोलता हूँ, आप लोग जो है कुछ दिन के लिए जो भी जिसका भी मन नहीं लगता है साइंस में, तो आप क्या करें उस एक कॉपी लीजिए, रफ कॉपी, और उसमें जो है लिख लिख के आप लोग याद करें। ठीक है, लिख लिख के याद करने से क्या होता है कि एक तो हमारी प्रैक्टिस होती है लिखने की, प्लस जो है दिमाग में एक बार हम जो है उसको लिखेंगे, एक बार बोल के पढ़ेंगे, तो आप जो है उसको 2-3 बार रिवाइज कर लोगे ना, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली याद हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग करके देखें ये तरीका, और फिर जो है आप लोग इसको एक बार फिर, जैसे एक बार आपने बिल्कुल लिख लिया, एक बार फिर पढ़ लिया, फिर एक बार जो है बिना देखे आप उसको लिख कर पढ़े, तो उससे क्या होता है कि आप जब बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जो है गारंटेड ये कर सकते हैं, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, हार नहीं मानना है। ठीक है, हार मत मानिए किसी चीज़ से, और कंटिन्यू इसको एक बार कीजिए। तो यही एक जो है इसका फंडा है, आप इसको करके देखिए। तो अब जो है अगली क्लास में हम जो है नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।